जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधामन दामन से आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन में। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आपको नमस्कार है। नया वर्ष 2023, न्यू ईयर 2023 आगमन का समय होने वाला है, कुछ ही समय बाकी है। तो मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूँ उसके लिए कि नवम वर्ष जो 2023 आने वाला है, पाश्चात वर्ष है, आपके लिए मंगल कामना लेकर के आए, शुभकामना लेकर के आए, खुशियाँ लेकर के आए। आज का विषय कर्क राशि, कि कर्क राशि का जो वार्षिक राशिफल मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, तो कर्क राशि वालों का जो सफ़र है इस साल कैसा जाने वाला है, उनके लिए समय कैसा रहेगा, आज इसी पे हम चर्चा करते हैं। मेरा जो ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मैं, ये गोचर की जो पद्धति होती है हमारी, उसके ऊपर निर्भर है। किसी की लगन और किसी की राशि अगर एक ही हो तो उसके ऊपर सटीक इसकी व्याख्या आप मान सकते हैं, लेकिन ये गोचर पद्धति है। कई बार क्या होता है कि हम लगन से जो व्याख्या करते हैं वो अलग हो जाता है और गोचर से जो करते हैं अलग हो जाता है, तो फिर लोग कहते हैं जी पंडित जी तो ऐसे बता रहे थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि लगन में हम हर ग्रह की स्थिति, उसकी डिग्री, उसकी पावर, उसकी युति सबको देख करके हम गणना करते हैं, और यहाँ सिर्फ एक चंद्रमा के द्वारा ही गणना की जा रही है। तो राशि और लगन में थोड़ा फर्क होता है, ध्यान रखें इस चीज़ का। हमारा मन, देखिए चंद्रमा जो हमारा कारक है, मन का कारक है। चंद्रमा के बारे में कहा कि चंद्रमा मनसो जातस्यको, तो चंद्रमा मन का कारक है। और हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, चलायमान होता है, विचारवान होता है। दुनिया में अगर किसी की गति हम देखना चाहें तो मन की गति सबसे तेज है। सेकंड के अंदर अभी आप अमेरिका पहुंच सकते हैं, सेकंड में आप जापान बैठे बैठे यहीं बैठे बैठे पहुंच जाएंगे, सेकंडों में आप कहीं और किसी देश में जा सकते हैं। जिस स्थान का आपने भ्रमण किया है या इस स्थान की छवि आपके इस मस्तिष्क में है, वहाँ तक आप सेकंडों में जा सकते हैं। पीछे क्या हुआ फौरन आपके सामने भी पिक्चर की तरह शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो चंद्रमा की गति मित्रों इतनी तेज है। आपका जो मस्तिष्क है इसका स्वामी होता है चंद्र देवता। जो दिमाग है इसका स्वामी मन है, आप मन कहते हैं इसको, तो ये मन है मस्तिष्क के अंदर, इसका मन का जो कारक है चंद्र देवता होता है। और चंद्रमा का हमारी कुंडली में बलवान होना या शुभ होना, अच्छी स्थिति में होना प्रफुल्लित मन और अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक होता है। जितना चंद्रमा स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, उतने हम खुशी अनुभव कर पाएंगे, एन्जॉय कर पाएंगे, आनंददायक हमारा समय गुजर सकता है। मन हमारी दिनचर्या का एक अहम पार्ट है, नोट टू पॉइंट, मन हमारी दिनचर्या का एक अहम पार्ट है। मन में अगर कोई परेशानी या कोई नेगेटिव सोच नहीं है, नेगेटिव थॉट नहीं है आपका, तो आपका पूरा दिन बड़ी हंसी खुशी से गुजरेगा। और मन पर अगर कोई प्रभाव है, चिंता है, फिक्र है, किसी कहा सुनी हो गई, झगड़ा हो गया, वही बात दिमाग में लेके अगर घूमते रहेंगे तो ना तो आपका काम करने में मन लगेगा, ना कहीं आने जाने में मन लगेगा, वो आपका मूड ही खराब रहेगा और हो सकता है वो दिन ही खराब हो जाए। कई बार ऐसा होता है। ये चंद्रमा की आपकी राशि को प्रभाव बताता है कि आपकी चंद्रमा की जो राशि है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। आप जो राशिफल पढ़ते हैं, दैनिक राशिफल, ये चंद्रमा से डिपेंड होता है, क्योंकि चंद्रमा किस राशि में कहाँ बैठा है तो किस राशि वालों को वो क्या प्रभाव देगा, ये आप दैनिक जो राशि फल है उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो मित्रों, ये है मन और उसके देवता हैं चंद्र। मन को बांध के रखना, कंट्रोल करना, एकाग्रता करना बहुत ही टेढ़ा काम। बड़े बड़े तपस्वी, साधक, ऋषि, मुनि फेल हो जाते। कोई करोड़ों में, लाखों में कोई एक आदमी होता है
जिसका मन काबू में होता है, तो जिसका मन काबू होता है वही तो सर्वशक्तिमान है, उसी को तो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। कर्क राशि का आधार मन है, कर्क का स्वामी चंद्र है, आधार मन है। कर्क राशि में चंद्रमा की जो स्थिति है अगर आपकी अच्छी है, या कर्क राशि पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, तो जीवन में कठिनाइयां कम आती हैं। और अशुभ प्रभाव हो तो आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट हर समय लगातार बने रहते हैं, तो हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव, बहुत ही डीपली आप इम्प्रेशन डालते हैं। ये सम राशि है, स्त्री राशि है, चर राशि है, जल तत्व की स्वामी है, ब्राह्मण इसका वर्ण होता है, उत्तर दिशा की स्वामिनी है, सौम्य स्वभाव होता है इसका, प्रभाव इसका सर्द कफ प्रधान होती है, रंग दूधिया सफ़ेद होता है, रात्रि बलि होती है, और जल स्थान में, जलचर स्थान में ये विचरण करने वाली होती है। स्वामी चंद्र देवता है, इनको हमारी कुंडली में रानी का स्थान पाते हैं, सूर्य को मिलता है स्थान राजा का और चंद्रमा को स्थान मिलता है रानी का। चंद्र कर्क राशि में गुरु जो बृहस्पति होते हैं उनका प्रभाव उच्च का होता है, और जो सेनापति मंगल है उसका प्रभाव हमारी कर्क राशि में नीच का बनता है। ये बहुत ही कोमल राशि है, इमोशनल होते हैं लोग, भावनात्मक प्रधान होते हैं ये, और ये जातक वक्त के साथ इनका जो शरीर का वजन है बढ़ जाता है, भारी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। जल तत्व राशियों में से इनको ये समस्या इनके सामने खड़ी होती है। इनकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होती है, बहुत प्रचंड होती है, हवाई के लिए बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मन की बात कम लोगों से शेयर कर पाते हैं। स्वभाव और मानसिक स्थिति बड़ी चंचल, विवेकशील होते हैं और स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, और जल्दी ही क्रोध कर जाते हैं, भड़क जाते हैं। अब बात करते हैं वर्ष 2023 की, कर्क राशि का राशिफल क्या रहने वाला है। ये मैंने आपको कर्क राशि का थोड़ा सा डीएनए आपके सामने रखा है। तो मित्रों, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जी आप शुरू शुरू में काफ़ी टाइम तो ऐसे ही ख़राब कर देते हैं, तो मैं एक बात आपसे विनती करके बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को लेकर चलते हैं तो उसकी भूमिका बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई किताब का राइटर है, किताब लिखता है, तो सबसे पहले वो अपनी बात लिखता है। आपने देखा होगा किताब के शुरू में प्राकथन या उसकी अपनी बात आती है, या संपादकीय उसमें लेख होता है, तो वो ज़रूरी होता है कि उस किताब का पूरा आयना होता है। इसी प्रकार हम जो आपको डीएनए बताते हैं किसी भी राशि का, तो ये पूरे उस ग्रह का और उस साल का आने वाला आयना है आपके सामने। आप पढ़िए, समझिए इसको, ये गंभीरता से विचार करने का एक चैप्टर होता है। बात करते हैं कर्क राशि का वार्षिक राशिफल 2023 कर्क राशि आपके सामने। वर्ष के शुरुआत में ही शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन होगा। बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि शनि का 30 साल के बाद कुंभ राशि में आना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसने पीछे 30 साल में पता नहीं कितने जातकों के ऊपर अच्छा प्रभाव भी दिया है, और पता नहीं कितने जातकों के ऊपर इसने बहुत अशुभ प्रभाव डाला है। तो शनि से बहुत आदमी त्रस्त है, तो 30 साल के बाद उनकी घर वापसी हो रही है अपनी सबसे प्यारी कुंभ राशि में, तो वहाँ आने के बाद में कर्क राशि के ऊपर में ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा, और मिथुन राशि से ढैया खत्म हो जाएगी, अगली ढैया वृश्चिक राशि पर पहुंच जाएगी, तुला से खत्म हो जाएगी। ये ढैया का प्रभाव है। शनि की साढ़े साथी के बारे में बात करते हैं, धनु राशि से शनि का जो साढ़े साथी का प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, थर्ड पार्ट, थर्ड स्टेप, और मकर राशि पे थर्ड स्टेप शुरू हो जाएगा, कुंभ राशि पे ये दूसरा स्टेप रहेगा, और उससे अगली जो मीन राशि है उस पे शनि की साढ़े साथी का फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा। ये कुछ शनि के बारे में आपको मैंने जानकारी दी है। 17 जनवरी से शनि स्थान परिवर्तन के साथ ढैया शुरू, आपके भाग्य में शनि का प्रभाव आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ग्रह है, कहीं भी बैठे कुंडली में हर जातक को प्रभावित करता है, हर राशि को प्रभावित करता है।
शनि कर्म का दाता है और हर आदमी कर्म से जुड़ा हुआ है। जो कर्म नहीं करते, जो कर्म इन्हें नहीं करते, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो आदमी कर्म करता है, कर्म से जुड़ा हुआ शनि है, तो शनि का प्रभाव हर राशि हर राशि जातक पर अवश्य होता है। देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष शुरुआत से आपके भाग्य में गोचर करेंगे। भाग्यस्थान के स्वामी हैं, गोचर भी भाग्यस्थान में रहेगा और आपकी हर तरीका से रक्षक करेंगे, भाग्य को बल प्रदान करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे और आपको समृद्ध बनाएंगे। गुरुदेव 22 अप्रैल को स्थान परिवर्तन गुरु का भी हो रहा है इस साल। ये अपनी राशि से दूसरी राशि मतलब मेष राशि में इनका गोचर होगा, जो कि आपकी राशि से दसम भाव में पड़ती है, 10th हाउस में पड़ती है। तो गुरु का 10th हाउस का गोचर 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। गुरु का जो गोचर है वो मेष राशि में शुरू हो जाएगा, अर्थात आपके कर्म भाव में। और यहाँ पर राहु देव पहले से ही बैठे हुए हैं, तो उनके साथ में बृहस्पति का जो युति है, एक चांडाल योग का निर्माण करें। चांडाल योग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसका निर्माण यहाँ बृहस्पति के साथ में राहु करेगा। और केतु अभी तुला राशि में है, 30 अक्टूबर को इनका भी स्थान चेंज होगा और राहु का स्थान भी 30 अक्टूबर को चेंज होगा। तो ये दोनों अपने अपने राशि परिवर्तन करके कर्क राशि के भाग्य में राहु और कर्क राशि से थर्ड हाउस में केतु का राशि परिवर्तन होगा। गुरु भाग्य के साथ कर्म भाव के कारक भी होते हैं। गुरु भाग्य का कारक है, साथ ही ये जो 10th हाउस है जिसको हम कर्म भाव कहते हैं, कैरियर का भाव कहते हैं, ये वहाँ का भी कारक है। राहु युति के साथ जो चांडाल योग का निर्माण होगा थोड़ा सा अशुभ प्रभाव दिखाएगा। इस समय लंबी यात्राओं के आपके योग बनेंगे 22 अप्रैल के बाद और यात्रा आपकी सुखद रहेगी। वर्ष 2023 कर्क राशि वालों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में आ रहा है, जहाँ अष्टम स्थान का शनि थोड़ी मानसिक परेशानी दे के थोड़ा सा कुछ दिमाग को थोड़ा सा अपसेट कर सकता है। आपको मानसिक परेशानी देने वाला होगा शनि अष्टम भाव का, लेकिन आपके कैरियर के मामले में इसका प्रभाव बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि इसकी कैरियर के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। राहु और गुरु दोनों बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति की कृपा भाग्य को प्रबल बनाएगी। इसके फलस्वरूप आपके जीवन में अनेक क्षेत्रों में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे और विशेष करके जनवरी से अप्रैल तक आपके जो गुरु बृहस्पति हैं वो आपके नवम भाव यानी आपके भाग्य में ही रहेंगे और पांचवी कर्क राशि पर जो उनकी दृष्टि है और सातवीं थर्ड हाउस पर दृष्टि है और जो 9th भी इसकी जो दृष्टि होती है वो आपके पंचम भाव पर गुरु महाराज की रहने वाली है। तो आपकी राशि पर दृष्टि से जब शनि महाराज कर्क राशि पर अपना दृष्टि डालेंगे तो अच्छी सोच, आपकी अच्छे निर्णय ऐसा शानदार आपको अवसर देंगे, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव वातावरण आपके लिए बनना तैयार हो जाएगा। इस वजह से जीवन में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस दौरान अगर आप मानसिक तनाव जो आपको शनि द्वारा मिल रहा है उससे आप थोड़ा सा मुक्त हो गए तो ये समय आपके लिए एक गोल्डन टाइम होगा, गोल्डन पीरियड होगा, आपका लक्की टाइम साबित हो सकता है। राहु दशम गोचर आपको अच्छी सोच प्रदान करेगा, मुश्किल काम को आप अपनी समझ और आपकी जो रणनीति है, आपकी जो सूझबूझ है उसके द्वारा आसान से कर पाएंगे और आप अपने कैरियर में एक नई ऊंचाई को इस दौरान प्राप्त करेंगे। 2023 के आरंभ से ही आएंगे, आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शनि का जो अष्टम गोचर है आपको थोड़ा स्वास्थ्य के लिए परेशान करेगा और स्वास्थ्य ही सबसे मेन होता है आदमी का। भाग्य भाव में बृहस्पति का गोचर आपको धार्मिक बनाएगा और धार्मिक आपके जो क्रियाकलाप है उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी, आयोजन जहाँ धार्मिक होते हैं वहाँ आपका पार्टिसिपेट कर पाएंगे ऐसे प्रोग्राम में,
तीर्थयात्रा आपको संभव होगी। बृहस्पति भाग्य भाव यानी के नवम भाव का गोचर आपके बिगड़े हुए काम को बनाएगा। मनचाह परिणाम आपको प्राप्त होगा, थोड़ी सी मेहनत और लाभ ज़्यादा, कम इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट बहुत सारा। मनचाह परिणाम आपको मिलेगा, ऐसा संयोग आपके साथ बनने वाला है लेकिन या शनि की वजह से आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव बना रहेगा, ध्यान रखें इस चीज़ का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन गुरु बृहस्पति आपको तनाव से बाहर निकालेंगे, परेशानियों से छुटकारा दिलाएंगे और इस प्रकार वो आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। भाई देखिए, जिंदगी है तो परेशानी तो जरूर आएगी, सबके साथ आएगी। जब परेशानी आती है अगर उनका इजीली आराम से छुटकारा हो जाए तो इससे अच्छा समय कोई नहीं है। स्वास्थ्य को आप नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो आपको कोई बड़ी गंभीर बीमारी पीड़ित कर सकती है। जनवरी से मार्च तक सामान्य से बेहतर समय में आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कार्यों में विघ्न बाधाएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी। रुकी हुई अगर कोई योजना है तो आपकी पूरी होंगी। आपका जो फाइनेंशली जो एक पक्ष है वो आपका मजबूत होगा। निवेश की योजनाएं बनेंगी और आपको उसे लाभ मिलेगा। भाग्य आपके साथ रहेगा, आपके सोचे हुए सारे काम पूर्ण होंगे और ईश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर इस दौरान पूरी पूरी बनी रहेगी। कैरियर का ग्रोथ संभव है, होगा, बहुत बढ़िया होगा। और बड़े बुजुर्ग जो हैं आपके संपर्क में, क्लोज में, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपको उनका सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पिता का साथ और सहयोग आपको पूर्ण रूप से इस दौरान मिलने वाला है। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी, ट्रांसफ़र हो सकता है और ऐसी जगह होगा मन चाही जगह जहाँ आप चाहते थे कि मेरा ट्रांसफ़र हो। तो ये जो समय है आपका ट्रांसफ़र कराने के लिए बहुत उत्तम समय है। आप अपने मन चाहे स्थान पर जा सकते हैं। जिन जातकों के विवाह में शादी में रुकावट है संभव होगा। बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो गुरु जब भाग्य में बैठा हुआ है, पंचम में दृष्टि डालेगा तो जो भी प्रतियोगिता है, कंपटीशन में ऐसे बच्चे जो हिस्सा लेना चाहते हैं कर्क राशि वाले, आशातीत सफलता का उनका योग बनेगा, कंपटीशन को क्लियर कर पाएंगे और एक उज्जवल भविष्य की ऐसे बच्चे नींव रखेंगे। शनि की अब बात करते हैं कि परिवार का जो तनाव है इस दौरान थोड़ा कम रहेगा। आपका जो ससुराल पक्ष है वहाँ थोड़ा तनाव हो सकता है, आपको सावधानी बहुत ज़रूरी है। शनि की सप्तम दृष्टि परिवार भाव पर होने से, अष्टम में शनि बैठा है, सातवीं दृष्टि उसकी परिवार पर जाएगी तो थोड़ा विवाद, वाद विवाद परिवार में, असहयोग थोड़ा बढ़ने के चांस हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। थोड़ा बृहस्पति आपको सही सोच देंगे, इसकी वजह से हर चुनौती से आप बाहर निकलेंगे। दूसरी और तीसरी जो तिमाही आएगी आपके लिए, उस तिमाही में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कुछ ज़िंदगी में उतार चढ़ाव इस दौरान आपको मिल सकते हैं। गुरु चांडाल योग है, कैरियर में थोड़ा उथल पुथल मचा सकता है। नौकरी पेशा जो जातक हैं उनको दूसरी जगह काम ढूंढना पड़ सकता है, जा सकते हैं और वहाँ जाने के बाद थोड़ा काम का दबाव, प्रेशर, सीनियर का थोड़ा दबाव उनके ऊपर रहने की संभावना बनती है। कोई पुराना विवाद इस समय आपके सामने उभर के आ सकता है। और शनि की जो दशम दृष्टि है, शनि की तीन दृष्टि होती है, पहली तीसरी, दूसरी सप्तम, और जो तीसरी दृष्टि होती है वो अपने से दशम भाव पर पड़ती है। तो शनि की जो दशम दृष्टि है आपको आशावान बनाएगी, आप हर परिस्थिति से मुकाबला कर सकते हैं पूरी हिम्मत के साथ, आप विजयी बनेंगे। अंतिम जो तिमाही है अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आपको सुदूर की यात्रा कराएगी, दूर दूर तक विदेश यात्रा कराएगी, अच्छे अच्छे स्थानों की यात्रा कराएगी। और वो जो यात्रा है वो आपके कैरियर से संबंधित भी हो सकते हैं, किसी प्रियजन से मिलने के लिए भी हो सकते हैं, विदेश यात्रा भी हो सकती है, घूमने फिरने का मौका मिल सकता है और उन यात्राओं से आपको लाभ होने के पूरे पूरे चांस हैं। गुरु का प्रभाव द्वितीय और चतुर्थ भाव पर होने से
आपके अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे और वो लोग आपके करियर में आपके बहुत बड़े सहायक बनेंगे और घर में, परिवार में, जीवन में सुख शांति बढ़ेगी, धन का प्रभाव बनेगा, नया स्रोत बनेंगे आपके धन कमाने के। और ये जो वर्ष है ये पारिवारिक खुशियों का एक बहुत ही अच्छा मिला जुला रूप है। थोड़ा बहुत देखो, साल में 365 दिन होते हैं, तो हो सकता है कुछ समय बीच में ऐसा आएगा आपके ऊपर कि जिसमें थोड़ा सा मन परेशान रहेगा, लेकिन गुरु इस कर्क राशि के लिए उच्च का प्रभाव देते हैं, बहुत बढ़िया प्रभाव देते हैं और बहुत सहयोगी हैं इसके, हर मुसीबत से आपको बाहर करें। हमारा चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, निवेदन करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन है बेल का उसको दबा के ऑल करें, आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहेगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें और इनको शेयर करें। शेयर करना इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैं ज्ञान या जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ आपके माध्यम से, वो आपके जो क्लोज पर्सन हैं, मित्र हैं, परिवार के हैं या कहीं दूर दराज में जो रहने वाले हैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो मेरे वीडियो को शेयर करके ये जानकारी आप उन तक पहुँचा सकते हैं और उनको हमसे जोड़ सकते हैं, ताकि आपको निरंतर उनको जो है हमारी जानकारी का, अच्छी अच्छी बातों का प्रभाव उनके साथ हमारा होता रहे। मेरे इस वीडियो के नीचे एक थैंक्स का छोटा सा एक आइकॉन बना हुआ है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे थैंक्स तो बोल ही सकते हैं ना, एक बार उसको आप जैसे शेयर लाइक करते हैं ऐसे मुझे थैंक दबा के आप मुझे थैंक्स जरूर बोलिए। बात करते हैं कुछ उपायों की कि कर्क राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए कि कुछ परेशानी है तो उससे उनको कैसे निजात मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले पूर्णमासी का जो कर्क राशि के जातक है वो व्रत करें और इसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ज़्यादा सहायक होती है, भोले की पूजा करें दूध से और उसमें थोड़ा चावल चीनी डाल के भोले को रुद्राभिषेक कराएं रोज, जो शिव के स्त्रोत होते हैं उनका पाठ करें, बहुत लाभदायक है आपके लिए, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं वो भी लाभदायक है। आगे आप इसमें एक शिवाष्टक आता है, रुद्राष्टक आता है, इसका पाठ भी कर सकते हैं, ये भी बहुत फायदेमंद है। और आपके लिए अगर कोई कठिन समस्या आपके सामने आ रही है जिससे आप जूझ रहे हैं और कहीं आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो एक शिव तांडव स्त्रोत आता है, आप नियमित तो उसका पाठ कीजिए। स्टोन की बात करता हूँ, कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छा स्टोन मोती होता है और मोती भी आपको साउथ सी वाला पहनना चाहिए, जिसको हम सच्चा मोती कहते हैं, आर्टिफिशियल मोती सस्ते वाला कभी धारण करना चाहिए, वो आपके मन की शांति को भंग करेगा। लेकिन साउथ सी जो आता है वो बहुत अच्छा सच्चा मोती होता है और वही आपको लाभ देगा। कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन आपको आपके आशा के अनुरूप वो लाभ देने वाला है। मैंने आपको आज कर्क राशि का वार्षिक राशिफल बताया है, वीडियो मेरे थोड़े लंबे हो जाते हैं, मजबूर हूँ, क्या करूँ मैं भी आदत से, कि थोड़े डिटेल में बताने का मेरे को शौक भी है ताकि सबको एक सही जानकारी, पर्टिकुलर तथ्य आपके सामने रखता हूँ कि मिल सके। लंबे वीडियो बनते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, और आंसर तक देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। आज्ञा चाहता हूँ अगले वीडियो की तैयारी के लिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।